हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फटाफट से आ जाओ दोस्तों, जितने लोग भी हमारे साथ जल्दी जुड़ पाएंगे, हम जल्दी से जल्दी शुरू कर पाएंगे आज का सेशन। और जितने लोग जुड़ते जाते हैं तो उतने लोग जो है फटाफट शेयर भी कर ले बाकी लोगों तक, ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। ऑलरेडी हम 5 मिनट लेट हैं, तो गुड इवनिंग सभी लोगों को। बस यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आ जाएं और अपने ग्रुप से भी इनको शेयर कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ सकें दोस्तों। ठीक है, हमारे साथ अभी 3-4 लोग जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं दोस्तों। यहाँ पर टाइम हो गया है, आज हम जो है आप लोगों के लिए बेहतरीन एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी लोगों को प्रणाम, सभी लोगों को वेलकम, स्वागत, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आज के इस सेशन में। और कल छुट्टी करने के बाद आज हम फिर से आप लोगों के बीच हैं। आज हमारा जो है ये पार्ट 10 है, पार्ट 10 में आज हम जो है आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस ये रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले कि आप सेशन को लाइक कर लो। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए स्टार्ट करते दोस्तों आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बुरांस के अवैध कटाव को रोकने के लिए इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बुरांस के अवैध कटाव को रोकने के लिए इसको संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया, फटाफट से आपको आंसर करने हैं, जल्द से जल्दी आंसर करना है। जिसको आंसर आते रहेंगे वो लोग फटाफट 2-3 सेकंड के अंदर आंसर करेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, एक का भी बिल्कुल सही जवाब है, उर्वी कुमारी जी का आया है, वन अधिनियम 1974। ठीक है, वन अधिनियम 1974 बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ये अवैध कटाव को, बुरांस के अवैध कटाव को रोकने के लिए इस अधिनियम के द्वारा इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, उत्तराखंड का की राज्य तितली का नाम क्या है, उत्तराखंड की राज्य तितली का क्या नाम है। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड की राज्य तितली का नाम, ठीक है, उत्तराखंड की राज्य तितली का क्या नाम है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। ठीक है दोस्तों, ये कॉमन पीकॉक है। ठीक है, कॉमन पीकॉक जो है उत्तराखंड की राज्य तितली का नाम है। एक चीज़ आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो साइंटिफिक नेम अगर पूछता है आपसे तो पेपिलियो बियोनोर, इसका बायोनोर, इसका देखिए पेपिलियो BIONOR, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और तितलियों के मामले में, राज्य तितली घोषित करने के मामले में उत्तराखंड जो है दूसरे स्थान पर है, और फर्स्ट नंबर पे आता है महाराष्ट्र। सबसे पहले महाराष्ट्र ने राज्य तितली घोषित की थी 2015 में, और उत्तराखंड ने 2016 में। सुबोध सर बहुत सही जवाब आपका, 2016 में की थी, तो बहुत ही अच्छी बात है। और क्या कहते हैं, आप लोगों को एडवांस में ये सारी चीज़ें पता हैं और बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। जो महाराष्ट्र की तितली का नाम था वो बता सकता है कोई, महाराष्ट्र की तितली का नाम। ठीक है, चलिए, आपके कमेंट नहीं आए हैं अभी तक, तो इसका नाम था ब्लू मॉर्मोन, जो है महाराष्ट्र की तितली का नाम है, जो उन्होंने अपनी राज्य तितली बनाई है। पूरे विश्व में तितलियों की लगभग 18,000 प्रजातियां हैं दोस्तों, लेकिन भारत की बात करते हैं अगर, तो भारत में लगभग 1300 प्रजातियां हैं, और उत्तराखंड में अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड में लगभग 500 प्रजातियां हैं तितलियों की। ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें आती थी, हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के प्रथम राय बहादुर का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जो है आप लोग को, हो सकता है आपको टफ लगे, हो सकता है इजी लगे। देखिए, गढ़वाल के प्रथम राय बहादुर का नाम, ठीक है, राय बहादुर का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राय बहादुर का नाम जल्दी बताएंगे। ठीक है, 3 का भी सही जवाब आया है, ठाकुर लाल सिंह। ठीक है, गढ़वाल के प्रथम राय बहादुर का नाम ठाकुर लाल सिंह है दोस्तों। ठीक है, और अब इसमें एक नाम और है, ईश्वरी दत्त घिल्डियाल दोस्तों। ठीक है, तो ईश्वरी दत्त घिल्डियाल जो है गढ़वाल के प्रथम ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। ठीक है, गढ़वाल के प्रथम ऑनरेरी मजिस्ट्रेट जो है ईश्वर दत्त घिल्डियाल हैं। और उसके बाद नारायण सिंह नेगी, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए में, तो नारायण सिंह नेगी जो है गढ़वाल के प्रथम सरदार बहादुर थे। ठीक है, गढ़वाल के प्रथम सरदार बहादुर, और उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन और रह जाता है, पंडित हरिशरण रतूड़ी। तो हरिशरण रतूड़ी गढ़वाल के प्रथम राय साहब थे। ठीक है, राय बहादुर और राय साहब, ये दो अलग अलग चीज़ें, इस पर जो है कन्फ्यूज मत होना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है, 1958 के एशियाई खेलों में मिडिल वेट ग्रुप में प्रथम पदक विजेता,
ठीक है, प्रथम पदक किसने जीता, चार का आंसर आप लोगों का, किसी का बी आया है, किसी का कुछ आया है, चलिए बताइए फटाफट। ठीक है, तो दोस्तों चार का बी नहीं है, चार का डी है, ठीक है, ये हरी सिंह इनका नाम है। तो 1958 के एशियाई खेलों में मिडिल वेट ग्रुप में प्रथम पदक हरी सिंह ने जीता था। उस समय जो है इन्होंने कौन सा पदक जीता था, इन्होंने रजत पदक जीता था उसमें, लेकिन कॉमनवेल्थ खेलों में भी ये प्रथम पदक प्राप्त करता है। इन्होंने कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता 1958 में। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। और उसमें उसके बाद जो हरीश राणा है, हरीश राणा प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करता है दोस्तों, ठीक है, 2003 में, ये उत्तरकाशी से हैं। और उसके बाद जसपाल राणा, इसमें एक नाम आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी में, तो जसपाल राणा जो है निशानेबाजी से हैं, प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है, इनको 2013 में ये मिला हुआ था। ठीक है, उसके बाद भवानी दत्त जोशी भी एक इसमें ऑप्शन में दोस्तों, भवानी दत्त जोशी प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता है, भवानी दत्त जोशी, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हिमालय का सर्वाधिक नवीनतम भाग कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमालय का सर्वाधिक नवीनतम भाग, ठीक है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे अब, हिमालय का सर्वाधिक नवीनतम भाग कौन सा है, चार ऑप्शन है, शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक लिख रखा, शिवालिक क्षेत्र होगा ये, ट्रांस हिमालय क्षेत्र और बाह्य हिमालय क्षेत्र, दोस्तों बाह्य है यहाँ पर, ये भी गलती हुई है मिस टाइप करने में, तो बाह्य हिमालय क्षेत्र है और दून द्वार क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, नहीं दून द्वार नहीं होगा, तो सुबोध सर बिल्कुल सही जवाब है आपका, शिवालिक क्षेत्र, ठीक है, तो हिमालय का सर्वाधिक नवीनतम जो भाग है वो है शिवालिक क्षेत्र। दोस्तों शिवालिक क्षेत्र आपको पता ही होगा, भाबर क्षेत्र के जस्ट ऊपर वाला जो भाग है, उत्तर का भाग जो है वो शिवालिक क्षेत्र है। इसका जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो आता है इसके उपनामों का, ठीक है, तो इसको हिमालय का पाद प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है, शिवालिक को हिमालय का पाद प्रदेश भी कहते हैं। और इसमें एक चीज़ और आता है, जो प्राचीन काल में इसको जो है मैनाक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और यहाँ पर अधिकतर मात्रा में जीवाश्म जो भी चीज़ें उपस्थित होती है इस क्षेत्र में लगभग मिल जाती हैं आपको, और जितने भी पर्यटन केंद्र है ना ये सभी लगभग जो है शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत ही जो है उपस्थित है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन में आते हैं, किस क्षेत्र की पर्वत श्रेणी को जैक्सर श्रेणी कहते हैं, ठीक है भाई, देखो यहाँ पर जैक्सर श्रेणी पूछा, किस क्षेत्र की पर्वत श्रेणी को जैक्सर श्रेणी, पंकज सर आ चुके हैं, तो सिक्स का आंसर जैक्सर श्रेणी काराकोरम लद्दाख और जैक्सर ट्रांस जैक्सर, अच्छा काराकोरम लद्दाख, ठीक है आप आगे बढ़े फटाफट से बताएं, जैक्सर श्रेणी बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये ट्रांस क्षेत्र को, ठीक है, ये जैक्सर श्रेणी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों। ट्रांस आपको पता ही है, ये जो है महाहिमालय के उत्तर की में जो है ये ट्रांस हिमालय है, तो इसकी जो चौड़ाई होती है लगभग 20 से 30 किलोमीटर की है, और यहाँ अगर हाइट की बात करेंगे इसकी तो लगभग 2500 से 3500 के बीच की इसकी हाइट होती है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री या बर्फ का घर किस हिमालय को कहा गया है, हिमाद्री या बर्फ का घर बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, हिमाद्री या बर्फ का घर पॉपुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी बताएंगे। जितने लोग ऑनलाइन हैं प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है, प्राचीन ग्रंथों हिमाद्री या बर्फ का घर, हिमाद्री या बर्फ का घर फटाफट बताएंगे, जल्दी बताएं, हिमाद्री या बर्फ का घर क्वेश्चन नंबर 7। आया, ठीक है, ये बृहद हिमालय को बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए इसका ठीक है, ठीक है, हिमाद्री या बर्फ का घर जो है बृहद हिमालय को बोलते हैं, ऑप्शन ए इसका सही है। उसके बाद आगे राज्य स्तरीय आपातकालीन टोल फ्री नंबर, आपके आंसर आ चुके हैं जो है राज्य स्तरीय आपातकालीन टोल फ्री नंबर, ठीक है, आप लोगों के बहुतों के आंसर आ चुके हैं इसके लिए, लेकिन दोस्तों ये है 1070, राज्य स्तरीय आपातकालीन टोल फ्री नंबर क्या है 1070 है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है, ठीक है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है, शिवालिक वो मध्य हिमालय से बृहद हिमालय से होकर, या तराई भाबर क्षेत्र से होकर, या ट्रांस व बृहद हिमालय क्षेत्र से होकर, ठीक है फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल ठीक है, बहुत सही जवाब है, तो ये जो है मध्य और बृहद हिमालय से होकर गुजरती है, ठीक है, बृहद और मध्य हिमालय से होकर गुजरती है, बहुत सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएंगे आप। अब
क्वेश्चन नंबर 10 है, कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है, भाई कब मनाया जाता है कुमाऊनी भाषा दिवस? ठीक है, कुमाऊनी भाषा दिवस दोस्तों 1 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सीधे सीधे सही हो जाता है, 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों 2 सितंबर को जो गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 2 सितंबर को गढ़वाल भाषा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं 10 सितंबर, यहाँ पर एक डेट ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है, तो 10 सितंबर को दोस्तों उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को क्या है? उत्तराखंड गौरव दिवस। उसके बाद 19 सितंबर है दोस्तों, 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है। देखिए 4 डेटें यहाँ पर थी, 4 के 4 मैंने आपको क्लियर कर दी है। 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस, 2 सितंबर को गढ़वाल भाषा दिवस, 10 सितंबर को यहाँ पर उत्तराखंड गौरव दिवस, और 19 सितंबर को यहाँ पर जो डेट लास्ट में दी है ये है उत्तराखंड साहित्य दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला 11वां नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जल्दी बताना है, जल्दी 2-3 सेकंड के अंदर आपको जल्दी आंसर करना है दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष है। जल्द से आंसर करेंगे उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों ये थी श्रीमती संतोष चौहान, ठीक है, ये राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जो है श्रीमती संतोष चौहान थी। तो अगर ज्योतिराव पांडे की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS थी दोस्तों, ज्योतिराव पांडे उत्तराखंड की प्रथम महिला IAS थी। कई लोगों का आंसर ये भी आ रहा है, और उसके बाद सुधा पांडे यहाँ पर एक नाम आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी, क्या थी? राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। और माया टमटा की बात करेंगे तो आपको पता ही है उत्तराखंड की प्रथम महिला मेजर थी, ठीक है, प्रथम महिला मेजर, तो माया टमटा प्रथम महिला मेजर थी। आगे बढ़ते हैं, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली गढ़वाल क्षेत्र की पहली NCC कैडेट, कुछ नई चीज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहली मेजर थी। चलिए NCC कैडेट, ठीक है, मेयर थी, ठीक है, मेजर थी NCC। अब ये अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये नूतन बिष्ट थी, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम NCC कैडेट गढ़वाल क्षेत्र की ये नूतन बिष्ट थी, ठीक है, नूतन बिष्ट थी ये, ठीक है। अब ममता पुजारी दोस्तों उत्तराखंड की फर्स्ट महिला कॉमर्शियल ड्राइवर थी, ममता पुजारी जो फर्स्ट में, आपका शालिनी शाह आप लोगों का कॉमेंट आ रहा है, तो ये फिल्म निर्देशक थी दोस्तों, उत्तराखंड की पहली महिला फिल्म निर्देशक थी ये शालिनी शाह, ठीक है, शालिनी शाह क्या थी? उत्तराखंड की पहली फिल्म निर्देशक थी, महिला फिल्म निर्देशक। उसके बाद शोभा रावत लास्ट में, तो उत्तराखंड की फर्स्ट महिला असिस्टेंट कमांडेंट थी ये CRPF में, ठीक है, CRPF में उत्तराखंड की पहली महिला असिस्टेंट कमांडेंट शोभा रावत थी। और ममता पुजारी मैंने आपको बताया उत्तराखंड की फर्स्ट महिला कॉमर्शियल ड्राइवर थी, और शालिनी शाह यहाँ पर पहली महिला फिल्म निर्देशिका थी, और नूतन बिष्ट जो है क्वेश्चन का आंसर ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती थी? ठीक है, उत्तराखंड में बेगार प्रथा जो थी वो किन रूपों में पाई जाती थी? फटाफट मैं देखना चाहूँगा इसका आंसर कितने लोग देंगे, जल्दी देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती थी? ठीक है, आप लोगों के आंसर आगे सही दोस्तों, ये सभी सही है, कुली बर्दाश्त, कुली उतार और कुली बेगार बिल्कुल सही है, ठीक है। ये लेक्चरर 2021 के जो मेन मुख्य सॉरी प्री एग्ज़ाम था उसमें आया हुआ था, क्वेश्चन था। आपको आगे आने वाले जो जितने भी क्वेश्चन होंगे मोस्टली क्वेश्चन इस पेपर से देखने को मिलेंगे आपको। उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया? जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ठीक है, उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, आप लोगों के आंसर आगे स्मिता देवरानी, ऑप्शन सी यहां पर सही है दोस्तों, ठीक है, इसको जो है 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15, राज्य के किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर
वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है ऋणात्मक में, ठीक है, जल्दी बताना है आपको। ठीक है, देवरानी बिल्कुल सही जवाब है, बहुत सही जवाब, सुबोध सर सही जवाब, अरविंद पवार जी इसका सी आंसर है, पंकज सर सही जवाब है, ठीक है, भिक्यासैन आगे आंसर, अनिल कुमार आर्या जी बिल्कुल सही जवाब है, और खुशपाल, ठीक है, ये भिक्यासैन दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, भिक्यासैन, चलिए आंसर है 15 का B सही जवाब दिया है बहुत सारे लोगों ने। उसके बाद आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, आपको यहाँ पर गलत युग्म दिया है वो बताना है आपको, ठीक है, ग्लेशियर दिए हैं और कहाँ पर कौन से जिले में है उसका नाम दिया गया है, ठीक है, चलिए, और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है बताना है, तो दोस्तों कफनी ग्लेशियर तो है जो है, आप सबसे पहले चलो आप कमेंट करो उसके बाद बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, नामिक ग्लेशियर बिल्कुल सही बात है, नामिक ग्लेशियर जो है बागेश्वर में नहीं है, नामिक ग्लेशियर कहाँ पर है, ये पिथौरागढ़ में है, ठीक है ना, नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, जबकि ये कहाँ पर दिया है, बागेश्वर में दिया, बाकी कफनी जो है बागेश्वर है, रालम पिथौरागढ़ है, और खतलिंग ग्लेशियर टिहरी है, ये सभी सही हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, 17 नंबर का क्वेश्चन है, कुणिंद मुद्राएं प्राप्त हुई, तो कुणिंद मुद्राएं जो है कहाँ से प्राप्त हुई है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके, 4-3 ऑप्शन हैं, चौथा आपको बताना है, बिल्कुल पंकज सर सही जवाब है, उर्मी और आप लोगों का सबका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए आप, ठीक है, अनिल कुमार आर्य आंसर आ चुका है, खुशपाल भाई आपका भी आंसर आ चुका है, देखिए, ठीक है, निराला उदय निराला आपका आंसर, उर्वी बिल्कुल सही जवाब, आप दोनों का सही जवाब है, तो इनमें ये सभी है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर थत्यूड़ टिहरी गढ़वाल और देवढुंगा उत्तरकाशी कत्यूर घाटी कुमाऊँ, ये सभी जो है यहाँ से कुमाऊँ, ये कुणिंद मुद्राएँ प्राप्त हुए, यानी कि आंसर कौन सा इसका सही है, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है, देवभूमि सॉफ्टवेयर जो है किससे संबंधित है दोस्तों, देवभूमि सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है उत्तराखंड में, सिंचाई से, जैव प्रौद्योगिकी से, भू अभिलेखों से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, भू अभिलेखों से, बहुत अच्छा जवाब, भू अभिलेखों से, जिसका जो भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी उनका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन सी देवभूमि सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है, भू अभिलेखों से संबंधित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु रामराय को आश्रय प्रदान किया था, गुरु रामराय आपको याद होगा देहरादून वाले जिन्होंने डेरा डाला था, जिसके नाम से देहरादून का नाम पड़ गया था, डेरा डालने की वजह से देहरादून, धीरे धीरे वो कालांतर में क्या हो गया, देहरादून हो गया था, एक जो है ऐसी मान्यता है। चलिए आपको बताना है कि किस गढ़वाल नरेश ने गुरु रामराय को आश्रय प्रदान किया था, ठीक है, बहुत अच्छा आपके जवाब आ गए, तो ये फतेहपति शाह थे, ऑप्शन बी सही है, ठीक है, फतेहपति शाह जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 19 का B आंसर। चंद्रवंश के शासनकाल में सीरती क्या था दोस्तों, अब इस पर ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन नंबर 20 सीरती, ठीक है, एक नई चीज़ यहाँ पर आ गई, इसको देखेंगे आप, चंद्रवंश के शासनकाल में कल में आ गया, तो टाइप करने में थोड़ा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, तो सीरती क्या था दोस्तों, यहाँ पर एक भूमि कर था, ठीक है, क्या था, लैंड टैक्स था, ये भूमि कर था, चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, सभी लोगों के सही जवाब आए, अनिल सर, पंकज सर, उदय भाई, सभी लोगों के बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था, ठीक है, मरणोपरांत इनको मिला था ये विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है, किसको मिला था, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को दोस्तों, गब्बर सिंह नेगी को ये जो है किसके लिए मिला था, किस युद्ध के लिए मिला था, जल्दी बताएंगे, 21, बहुत अच्छा पंकज सर, बहुत अच्छा, तो ये न्यूवे चैपल के लिए मिला था दोस्तों, न्यूवे चैपल के लिए मिला था ये, ठीक है, न्यूवे चैपल के लिए ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, मई 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था, 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था, श्रीदेव सुमन ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, या इन ये सभी ने, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, इन सभी ने लिया था, ठीक है, ये श्रीदेव सुमन ने भी और जवाहरलाल नेहरू ने भी, विजय लक्ष्मी पंडित ने भी, यानी कि ऑल ऑफ अब हो जाएगा, ठीक है, चला आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे आप सभी लोगों के आंसर बढ़िया आए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनाशक्ति आश्रम कौशानी संबंधित है, ये तो सभी को पता होगा, जय बजरंगबली मुहर लगानी है आंख बंद करके, ठीक है, अनाशक्ति आश्रम तो सभी को ही पता होगा, जिन्होंने कल से उत्तराखंड जी के पढ़ने शुरू किए शायद उनको भी ये क्वेश्चन आता होगा, अनाशक्ति आश्रम किससे संबंधित है, ठीक है, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मरोज क्या है ये बताओ आप, ठीक है? मरोज, ठीक है, मरोज क्या है? मरोज क्या है दोस्तों? एक हथियार है, एक सिक्का है, एक जनजाति त्यौहार है, या मापने की इकाई है? क्वेश्चन नंबर 24। बिल्कुल, जौनसारियों का एक त्यौहार है, एक जनजाति त्यौहार है, ठीक है, जनजाति त्यौहार है दोस्तों जौनसारियों का, ठीक है, जनजाति त्यौहार, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जौनसारी का, बहुत अच्छा। मनीषा तोमर, सुबोध सर और पंकज, सोनी, सब लोगों का, उर्वी, सभी लोगों का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? जल्दी बताएंगे, नायक समाज सुधार में, नायक समाज में सुधार के लिए किस वर्ष नायक बालिका रक्षा, इस पर ध्यान देंगे, नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया, 25, जल्दी बताएंगे, ठीक है, आप लोग के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, सर जौनसारी ही हूँ, बहुत बढ़िया, जौनसारी ही हूँ, मनीषा तोमर, बहुत बढ़िया, आपको तो पता ही होगा फिर, ठीक है, ये 1929 जो लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत ही सही आंसर है उनका, 1929 है दोस्तों इसका सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया, पंकज जवाब आ चुका है, कपिल, सोनी, मनीषा, आप लोग के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, ये इसका जवाब है जयदत्त जोशी, इसका सही जवाब है दोस्तों, ठीक है, जयदत्त जोशी का सही जवाब, सही जवाब, पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है? सबसे पहले तो इस पर ध्यान रखना आपको, ठीक है, जो रम्माण उत्सव है दोस्तों, इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये बताना आपको, ये किस जनपद से बिलोंग करता है, ठीक है, किस जनपद से संबंधित है? बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के आंसर आने शुरू हो गए, तो दोस्तों ये किस जनपद से है? तो ये चमोली से है दोस्तों, ठीक है, चमोली से संबंधित है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? ये भी आसान क्वेश्चन है और पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, खुमरी पंचायत जो है किस जनजाति से संबंधित है, 28 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करने हैं। 2 अक्टूबर 2009 चमोली, बहुत या पंकज, ठीक है, खुमरी पंचायत जो है जौनसारी, बिल्कुल सही जवाब है, जो लोग जौनसारी आंसर कर रहे हैं, तो खुमरी पंचायत जो है किस जनजाति से संबंधित है? जौनसारी जनजाति से संबंधित है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर के किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? ठीक है, क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो, 1922 में, ठीक है, सन भी आपको ध्यान रखना है, तो 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन, ठीक है, युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? 29 का, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, आप लोगों ने सभी ने सही आंसर बनाया, तो ये तरुण कुमाऊं दोस्तों, ठीक है, तरुण कुमाऊं इसका सही जवाब है, तो तरुण कुमाऊं का इन्होंने प्रकाशन किया था, तरुण कुमाऊं क्या थी, एक मासिक समाचार पत्र था, ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन को हर तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 30, जल्दी बताना है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई दोस्तों? हाँ बिल्कुल, डेली क्लास होती है शाम को 7 बजे, डेली क्लास होती है शाम 7 बजे, जिसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन आज के सेशन में मैंने 5 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके से अदर भी रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल, 23 जनवरी 1939 को, जिसका आंसर आ रहा है, बहुत ही सही जवाब है उनका, ठीक है, 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, बहुत बढ़िया, ठीक है, 23 जनवरी को, ठीक है, बहुत सही, सभी लोगों के जवाब आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? ठीक है, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे दोस्तों?
कहीं पर प्रभावतार लिखा होता है, कहीं पर प्रभातार भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये कत्यूरी काल में प्रभावतार क्या थे? जल्दी बताना, जल्दी, एक दो सेकंड के अंदर आंसर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही जो है आप देख सकते हो ऑप्शन डी में भूमि की नाप करने वाले अधिकारी थे, हुआ करते थे प्रभावतार, ठीक है। भूमि की नाप करने वाले अधिकारी को प्रभावतार कहा जाता था, ठीक है। जहाँ पर प्रभातार होगा तो वो भी भूमि की नाप, तो यानी कि प्रभातार या प्रभावतार कहीं पर भी आता है तो आप उससे जो है बिल्कुल 31 जो है कृषि से संबंधित अधिकारी नहीं है इसका आंसर, भूमि की नाप करने वाले अधिकारी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? उत्तराखंड ने ये जैविक कृषि अधिनियम पारित किया, ठीक है। जल्दी बताना है किस वर्ष, नहीं ये भूमि की नाप करने वाले अधिकारी है, ये क्वेश्चन दोस्त जो है लेक्चरर की प्रारंभिक परीक्षा में आया था और जो यूके पीएससी ने आंसर की रिलीज की थी तो उसमें ये आंसर उन्होंने दिया था, फिर भी क्लियर करके हम इसको आपको बताएंगे। ठीक है चलिए 32 नंबर के क्वेश्चन को देखें। ठीक है 32 का आंसर करेंगे, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? 2019 में किया था, 2021 में नहीं किया था, ये किया था 2019 में, ठीक है 2019 में किया था इसको जैविक कृषि अधिनियम पारित उत्तराखंड शासन ने, ठीक है 2019 में किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, महिम वर्मा का संबंध किससे है? ठीक है महिम वर्मा का संबंध किससे है दोस्तों? महिम वर्मा का संबंध छायांकन, पर्वतारोहण, क्रिकेट या औषधि स्रोत से? 32 का बी आंसर आ रहा है आप लोगों का, 32 का बी आप लोगों का आ रहा है, सॉरी 33 का सी सुबोध आपने सही जवाब दिया है, पंकज ने सही जवाब दिया है, ठीक है ये क्रिकेट से था दोस्तों, ठीक है इनका संबंध जो है किससे है? क्रिकेट से है। कुछ लोग जो है ठीक है जिन लोगों को आता है उन्होंने भी आंसर करना चाहिए और जिन लोगों को नहीं आ रहा या कुछ डाउट हो रहा था उन्होंने भी आंसर करना चाहिए। ये औसत और शोध से नहीं है दोस्तों, ये क्रिकेट से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जल्दी बताएंगे किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है अप्रैल 2016, बहुत बढ़िया, अप्रैल 2016 में ये पंकज ने जवाब दिया है, अप्रैल 2016 में, हमने यहाँ पर 2016 लिखा है, इन्होंने आगे से अप्रैल भी जोड़ दिया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। पंकज सर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और कुछ और भी हैं, सुबोध बड़ोनी हैं और कल हमारे साथ दर्शना मैम जुड़ी थी और बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम लेना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बस रिक्वेस्ट ये है प्लीज़ यार वीडियो सेशन को लाइक भी कर लो, इतने लोग आप मेरे साथ लाइव जुड़े हो लेकिन लाइक अभी ज़्यादा लोगों ने नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, उसमें कोई टैक्स या कोई खर्चा नहीं आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित हैं? डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी किससे संबंधित है? कला, साहित्य, औषधि विज्ञान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी, जल्दी से कमेंट करेंगे। 35 ठीक है, कपिल जोशी बहुत सही जवाब है, अनिल कुमार आर्या सही जवाब, तो ये औषधि वैज्ञानिक, ठीक है औषधि वैज्ञानिक से संबंधित दोस्तों, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी क्या है, एक औषधि वैज्ञानिक है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने 35 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए, उसके बाद मैंने आज के सेशन में 5 क्वेश्चन जो है आपको आपके लिए अदर से रखे हैं, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे किसी भी चीज़ की, चाहे उत्तराखंड की किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो या किसी अन्य एग्ज़ाम की भी, तो वहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह इनसे भी क्वेश्चन आते, तो मुझे लगा चलो 5 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही आज आपके लिए रख लिए हैं, तो यहाँ पर आपको 36 से 40 तक जो है 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे आप बताएंगे, तो आप लोग सभी लोग पढ़ते ही होंगे, तो 5 क्वेश्चन देखते हैं
इनमें से कितने लोग आंसर देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बढ़िया, अनिल कुमार सही जवाब आया है, योगेश बिष्ट सही जवाब, उदय सुबोध, ठीक है, ये लॉयड जॉर्ज थे दोस्तों। ठीक है, लॉयड जॉर्ज जो है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोहन जोदड़ो किस जिले में स्थित है? ये तो खैर पता ही होगा सभी को, मोहन जोदड़ो किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये सभी को पता होगा, लरकाना जो है इसका सही जवाब है दोस्तों, लरकाना। ठीक है, अधिकतर लोगों को ये पता ही होगा, बहुत बढ़िया, आप लोगों के अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता था, तो ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन था? ये भी आप सभी लोगों को पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन था, जल्दी बताएंगे आप? ठीक है, तो आप लोगों के आंसर आने शुरू हो गए, तो ये ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता दोस्तों कौन था? इंद्र था। ठीक है, इंद्र जो है ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी आप लोगों के सही आ रहे हैं, ऑप्शन सी। अशोक के शासनकाल में धर्म और नैतिकता का अधिकारी कौन था? 39 है, अशोक के शासनकाल में धर्म है वो नैतिकता का अधिकारी, ठीक है, धर्म और नैतिकता का अधिकारी कौन था? 39 का क्वेश्चन है, 39। नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी, ठीक है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन है क्या? अशोक के शासनकाल में धर्म और नैतिकता का अधिकारी, ये धर्म महामात्र, मुझे लगता है कि इसका आंसर धर्म महामात्र होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं राजूक, ठीक है, ये है धर्म महामात्र, या तो फिर आप लोग सही है या मैं, मुझे कन्फर्म है, 99% कन्फर्म है, ये धर्म महामात्र इसका सही जवाब था। अशोक के शासनकाल में धर्म और नैतिकता का अधिकारी जो था वो धर्म महामात्र, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक बार, मुझे जहाँ तक ध्यान है, ये भी एक बार लेक्चरर के मेन एग्जाम में आया था, वो भी हिस्ट्री के एग्जाम में, तो उसमें भी ये आंसर शायद यही दिया था, मेरा पढ़ा हुआ आंसर है। ठीक है, तो ये धर्म महामात्र ही था। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? ये तो खैर आसान क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? ठीक है, ये बी ऑप्शन ही है, क्योंकि मैंने भी ये पढ़ा हुआ था ना, तो धर्म महामात्र इसका सही जवाब था। बाकी फिर भी जिन में डाउट आता तो उनको हम कमेंट में क्लियर कर देता हूँ, मैं उसमें पिन कर देता हूँ, मैं जो भी कमेंट होता है जिसमें सुधार करना होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, तो उसमें कमेंट करके मैं उसको पिन कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था, ये तो सभी को पता होगा, जैन धर्म का 40 का डी नहीं होगा दोस्त, 40 का सी होगा। ठीक है, तो ये ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव था, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 40 क्वेश्चन ही आज के सेशन में रखे थे, जिसमें से मैंने 35 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड के रखे थे और 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर हिस्ट्री के रखे थे। तो ठीक है, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा है तो फिर कमेंट करके आप बताओ कि हाँ ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं, उत्तराखंड के ही क्वेश्चन होने चाहिए, चाहे 40 हो, 50 हो, 60 हो या 100 हो, तो फिर हम वही करेंगे। ठीक है, आप लोगों को जैसा लगता है वैसा जो है आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ। और फिर आज के सेशन में 40 ही क्वेश्चन हमने लिए थे, और अब बारी आती है आज के क्वेश्चन की, क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, तो इसको मैं आपको जो है, थैंक्स सर जी, हाँ ठीक है, अदर भी रखें, बढ़िया है, बिल्कुल हिंदी भी रख सकते हैं, बाकी चीज़ें भी रख सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे की बारी आती है आज के, तो यहाँ पर जो है आज हमारा 10वां सीरीज का 10वां वीडियो है, तो यहाँ पर डीपी क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, उत्तराखंड का प्रथम नरजाति समूह किसे माना जाता है? तो नरजाति समूह किसे माना जाता है, आप लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, इसको हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, जिन लोगों को आता है वो जल्द से कमेंट अभी भी कर सकते हैं, बाकी हम इसको कल के सेशन में डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया है, आप लोगों के साथ इस सेशन में बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उम्मीद करूंगा आप लोग बेहतर तरीके से तैयार होकर कल के सेशन में मेरे साथ फिर से जुड़ेंगे और सेशन को बाकी लोगों तक शेयर भी करेंगे। जो लाइक करने में कंजूसी करते हैं, मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों करते हैं, लाइक करने में कोई ऐसा नहीं है कि आपका डेटा ज़्यादा चले जाता है, या फिर ऐसा नहीं है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेने का चार्ज देना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है।
जब आप थोड़ी सी हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, टाइप कर रखा है, पीडीएफ बना रखी है आपके लिए, आपको पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका फर्ज बनता है। जो एक लाइक बटन को दबाना है तो ये कर सकते हैं हमारे लिए, बाकी ठीक है आपकी मर्जी, ज़्यादा क्या ही कह सकते हैं हम, ठीक है। कोई उसके बाद फिर खास और फिर शक, कोई, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, कोल किरात खस और शक ये लिखना चाह रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए, अपने सुझाव अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे हमेशा देते रहें, उस हिसाब से मैं आगे की तैयारियां करते रहूंगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।